शार्क्स, सोचिए आज अमावस की रात है और बाहर गहरा काला अंधेरा छाया हुआ है। आप अपने बिस्तर में बैठे हुए हो और बाहर कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है और आप डर कर अपने कंबल में छुप जाते हो। और रात के 3 बज रहे हैं और आपके क्लॉक के पीछे से चिड़िया निकल के आवाज कर रही है। आप सो नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लगी है डरावनी जानलेवा भूत। डरा के पैसे लेगा। डरिए मत शार्क्स, हम आपका नामो निशान नहीं, हम आपके हंगर क्रेविंग्स को मिटाने आए हैं विद ईटवर्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है पुलकित। मेरा नाम है हर्ष। और मेरा नाम है आदर्श और हम 3 स्कूल फ्रेंड्स कोलकाता से आए हैं। ईटवर्स एक कोलकाता का मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन है जहाँ हमारे यूनिवर्स में 8 सुपर हीरो ब्रांड्स हैं जो आपके हर एक हंगर का क्रेविंग्स मिटाते हैं। जैसे सांता डिलीवर्स एक मल्टी क्विजीन ब्रांड है जिसमें हम नान टर्नओवर और देसी चाइनीज जैसे प्रोडक्ट सर्व करते हैं। मतलब आपकी पार्टी ऑर्डर नीड्स आर सॉर्टेड। द बिरयानी इंक में आपको मिलेगी कोलकाता की रियल आलू बिरयानी और बंगाल में आलू के बगैर तो बिरयानी अधूरी है। हैंड क्राफ्टेड गोरमे बर्गर्स मिलेंगे आपको बर्गर इन लॉ में। एशियन फ्लेयर में आपको मिलेगा बेस्ट ऑफ पैन ओरिएंटल एंड साउथ एशियन क्विजीन, क्योंकि देसी के साथ विदेशी भी तो खाना जरूरी है। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत मिडनाइट फूड डिलीवरी के साथ की थी, लेकिन आज दिन हो या रात हम कस्टमर्स तक पहुँचते हैं राउंड द क्लॉक। हम जब 21 साल के थे और उस समय जोमैटो और स्विगी अवेलेबल नहीं थे, हमने तब एक लोकल शॉप से टाई अप करके सिर्फ 10,000 रुपए में अपना बिजनेस चालू किया। हम 100 रुपए के दाल को 150 में खुद डिलीवर करते और आज हमारे पास 6 किचन है, 1 बेस किचन है एंड हमने अब तक 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स केटर कर चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो थ्रू स्विगी एंड जोमैटो। शार्क्स, हम चाहते हैं कि हम ईटवर्स के यूनिवर्स को पूरे इंडिया पे लेके जा सके और इंडिया का नंबर 1 फूड ब्रांड इसे बना चुके। हमारा आस्क है आपसे 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। वी आर ईटवर्स, द गैलेक्सी ऑफ फूड गैजम्स। अमन, आपके लिए बटर चिकन नान टर्नओवर सांता डिलीवर से। अनुपम, आपके लिए चिकन बिरयानी द बिरयानी इंक से है। अमित, आपके लिए दाल मखनी नान टर्नओवर सांता डिलीवर से। नमिता, आपके लिए चीज बम बर्गर बर्गर इन लॉ से है। रितेश, आपके लिए वेज बिरयानी है। बहुत बढ़िया दाल मखनी, ये बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, दिस बिरयानी इज गुड। बहुत अच्छा है दोस्त, वेल डन। कैसे आप लोगों को ये आइडिया आया, आप लोग की थोड़ी बैकग्राउंड्स बताइए। सो मैंने तो अपने फैमिली बिजनेस में 1-1.5 साल ट्राई किया कुछ वर्क करने का, हाँ, तो उसमें इतना मजा नहीं आया, फिर मैंने ये किया। जब मैं चालू किया था हम लोग ने इसको, उस समय आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, उसके बाद हमने अपना MBA किया, फिर उसके बाद वापस इसी में फुल टाइम लग गए। और आपने? तो मेरा स्कूलिंग और कॉलेज कलकत्ता से हुआ है, फिर मैंने हैदराबाद गया भैया के पास, मैं प्रिपेयर कर रहा था मास्टर्स के लिए, तो हम वहाँ देखते थे कि टेक अवेज भी होती थी, डिलीवरी भी होती थी, बट कलकत्ता में वो कल्चर भी नहीं था, आपको जाके खाना लेना पड़ता था। तो वहाँ से आइडिया भी स्ट्राइक किया, फिर सांता डिलीवर्स हम लोग जब किए तो हम लोग टाई अप किए। एक रेस्टोरेंट, छोटा सा स्टॉल था, उसका इंडियन एंड चाइनीज का मेन्यू था, तो हम लोग 6 महीना खाना लेके बेचे थे, फिर हमने अपना किचन बनाया था। और हम लोग 3 मारवाड़ी थे, तो हमें हर्ष का एक घर एक्स्ट्रा था, तो हम उनके घर से स्टार्ट किए थे, तो हमारे को परमिशन मिला था सिर्फ वेज बनाने का। तो हम लोग का ये होता था कि हम लोग के पास ऑर्डर आता था चिकन बिरयानी का और एक दाल मखनी का, तो हमें बिरयानी लेने जाना पड़ता था वो स्टॉल से, और हमें दाल मखनी बनाना पड़ता था और हमें वैसे डिलीवर किया उनके लिए। हम लोग स्विगी जोमैटो थे उस समय। कौन से साल में था ये 2014 दिसंबर में हम लोग स्टार्ट किए थे। तो अभी आप लोग को 9 साल हो गया। तो आपका आइडिया था ये मेरा आइडिया था। तो ईटवर्स कैसे आया? 2017 में मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन का एक मोमेंट आया, लाइट बल्ब जैसे मोमेंट हिट किया। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि बर्गर सेल करते हैं, हाँ, तो हर्ष ने मेरे को बोल रहे हैं कि बर्गर का, फिर बर्गर का ऐसे QSR करने का, ऐसा टाइप का कुछ सोचते हैं, हाँ। हम लोगों ने बोला यार बर्गर का QSR क्यों, बर्गर तो मतलब हम लोग किचन से बेच सकते हैं, हाँ। तो फिर हम लोगों ने बर्गर इन लॉ को ऐड किया, शेफ को कहीं से ढूंढा, कुछ रेसिपीज ली,
तो आप मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन कंपनी है आज के दिन? हाँ, मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन कंपनी हूँ मैं। प्राइमरीली इन कोलकाता विद अ स्मॉल प्रेजेंस इन सिलीगुड़ी। और अभी अभी आप नॉन वेज बनाते हो? हाँ, सब कुछ बनाते हैं। बापू जी और मम्मी के कहे? आपकी सेल्स थोड़ा बता दीजिए कितना हो रहा है। तो अभी इस साल हम लोग अक्टूबर तक 10.7 सीआर कर चुके हैं। हम लास्ट ईयर किए थे 13.1 सीआर। इस साल क्या प्रोजेक्शन है आपके पूरे साल का? 20-21 सीआर प्रॉफिट। EBITDA हम लोग 6% सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर 6% हो गया। लास्ट ईयर 1% 1% मतलब ब्रेक इवन था। लास्ट मंथ क्या रेवेन्यू किया आपने? लास्ट मंथ 1.72 सीआर किए। एंड उसमें प्रॉफिट कितना था? 6% हम लोग का EBITDA था। अगर आप Zomato स्विगी पे भी बेच रहे होगे करेक्ट, तो उनका आप लोग क्या साइजेबल शेयर हो? यार 1.5-1.7% मार्केट शेयर हम लोग अभी उनका मार्केट प्लेस में है। हम लोग सिटी अकाउंट्स में 5th-6th रैंक करते हैं। अच्छा, और सेकंड अगर मैं चाहूँ आज की डेट में तो मैं क्लाउड किचन तो आज रातों रात खोल सकता हूँ और उसमें आपकी तरह 10 ब्रांड बना सकता हूँ। देयर इज नथिंग, अपने 9 साल लगाया या 1 साल लगाया कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा राइट? एक साथ अगर आप सारा ब्रांड्स करते हो तो बर्न बहुत करना पड़ता है। जैसे हमारा जर्नी में हम एक एक साल में नया नया ब्रांड किए, वो उसको प्रॉफिटेबल बनाए, फिर हम किए। आपको एक इसमें नए लोग आए ना जो क्लाउड किचन फंडेड लोग आए, जैसे ईट फिट हो गया और रेबेल फूड्स हो गए, ये बर्न कर रहे हैं बट ग्रो भी तो अच्छा खासा कर रहे हैं ये लोग। करेक्ट, बट हमें ग्रो करना सस्टेनेबल होके, हम बूटस्ट्रैप है। रेबेल का मार्केट शेयर क्या क्या है? रेबेल अराउंड 75-80,000 ऑर्डर्स करते हैं कैलकटा में और हम 50,000 ऑर्डर्स 48-49% हमें भी पता है कि कैसे किया जा सकता है। हाँ, तो हम लोग उस प्रोसेस को और अच्छे से फाइन ट्यून करना चाहते हैं। और क्या दूसरा सिटी में आज से 1-2 साल बाद जब हम लोग जाए तो रेप्लिकेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मेरा ये लर्निंग है कि क्लाउड किचन ज्यादा लोकल बिजनेस है नेशनल बिजनेस होने की जगह जी। तो यहाँ पे आपका यूनिक एडवांटेज ही ये है कि आपने एक जगह में अपने आप को कंसंट्रेट किया हुआ है। जैसे ही आप मल्टी लोकेशन में जाएंगे तो आपका एंटरप्रेन्योरियल स्केल करना वो कम हो जाए। जैसे अगर आप बिरयानी लोग तो हर रीजन में अलग अलग टेस्ट होता है राइट, एंड यू हैव टू कैटर टू दैट। देयर आर सम थिंग्स जैसे पिज्जा होता है, वहां पे शायद आप नेशनल ब्रांड पिज्जा में नेशनल ब्रांड बनाए, तो दैट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। So we are in the process of discovering and figuring out our best model, जिसको हम लोग आगे लेके जाना चाहेंगे। जैसे अगर आज हमारे पास 8 ब्रांड है, हाँ, कल को हम लोग 2 कैटेगरी इसमें और बढ़ाएंगे, तो उसमें से जो 2-3 कैटेगरी will be a hassle, will be a friction in scaling up, we will avoid that and we will go ahead with what is making us good money. हमें पता है कैलकटा में भी और penetration हमारा बाकी है। कैलकटा market अगर 1600-1700 crore की है तो हम आराम से 5% मार्केट शेयर इन कमिंग इयर्स ले सकते हैं। मतलब 80 करोड़ का धंधा बन सकते हो, 85 करोड़। यस, 30-40 किचन खुल सकते हैं कैलकटा में। 15-17 इज अ गुड नंबर फॉर कैलकटा। और पर किचन कितना सेल्स कर सकते हो आप मैक्सिमम? 50 लाख मेरे को लगता है कर सकते हैं। आपकी कोई भी किचन कर रही है 50 लाख 10 साल से काम सेक्टर 5 कर रही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं मॉप फूड में इन्वेस्टर हूं। लास्ट ईयर मैंने मॉप फूड में डाला था पैसा, तो ये 7-8% का EBITDA बिजनेस है जितना मुझे डिटेल में समझ में आया उनके साथ बैठ के। पर एक किचन की लिमिट होती है कि एक किचन कितना कमा सकता है। यहाँ पर आप इतने स्केल पे ऑलरेडी चले गए, मॉप फूड थोड़ा अर्ली आया था आपसे, अब उनका 50-60 लाख मंथली रेवेन्यू 70 लाख के आसपास है उनका। जब वो शार्क टैंक में आए तो उनका मेरे ख्याल से 15-20 लाख था। तो अभी आप लोगों का जो वो लग रहा है ना, ऑलरेडी स्केल्ड अप लग रहा है लोकल में। मैं अगर आज इधर इन्वेस्टर आऊँगा तो मेरा पैसा बनेगा कैसे इस वैल्यूएशन में, मैं वो अभी तक ग्रैस्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप सारी तो कुजीन में घुस गए, सारे ब्रांड्स बना लिए आपने, एक दो और बचे चलो वो भी इंट्रोड्यूस कर लोगे, बट फाइनली एवरीथिंग स्टैग्नेट। सो व्हाट्स द लॉन्ग टर्म प्लान टू जस्टिफाई इन्वेस्टर्स रिटर्न? बट हमें लगता है कि जो हम लोग EBITDA अभी है, हमें लगता है कि वो हम लोग डबल डिजिट करके दिखा पाएंगे। आप 10 साल से कर रहे हो काम, हाँ। आप 4-5% अब जाके निकाल रहे हो, आपका हाँ। खर्चा कैसे चल रहा है? हम लोग सैलरी लेस करके मैं EBITDA बोल रहा हूँ। कितना सैलरी? हम लोग 1.5 लाख ईच लेते हैं। 1.5 लाख? आप एक बात समझिए, हाँ, जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फूड डिलीवरी या क्लाउड किचन, दिस इज अ सब इंडस्ट्री। इसके ऊपर बैठे हैं 2 जायंट, स्विगी एंड Zomato, तो वो गेटकीपर्स हैं ये इंडस्ट्री। मतलब आपका जो मार्जिन है दो चीजों से ही बनेगा, या तो ये दोनों आपको बनाने दे और ये क्यों करेंगे यार, खैरात का काम थोड़ी कर रहे हैं, या कस्टमर छलांगे मार के आपके खाना ऑर्डर करने आ रहा है तो एक प्रीमियम प्राइस दे रहा है आप। अनलेस ये बात का कोई प्रमाण है, आपका 5-6 तक से धंधा ज्यादा बन ही नहीं सकता। हमारा जो बेस किचन में खर्चा है अभी बहुत है, वो हमें पता है कि वो
विद टाइम भरेगा नहीं जितना सेल भरेगा। कमीशन जो है आपका वो तो खर्चा लगा ही रहेगा। क्या आपने कभी अपना खुद का फ्रंट एंड आउटलेट बनाने की संभावना सोची है QSR के अंदर, क्योंकि QSR भी आजकल देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक उसमें ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और एक फ्रंट एंड में ब्रांड चलाना और एक बैक एंड में ब्रांड चलाने में बहुत अंतर है। लेकिन पुल, लेकिन पुल ब्रांड में भी पुल उसी से बनता है। अदरवाइज यू आर डिपेंडेंट ऑन वन एल्गोरिथम। आप लोगों को लगता है कि आप लोग लेट हो गए थोड़ा फंडिंग वंडिंग उठाने में? मेरे को लगता है कोई चीज के लिए लेट नहीं होता है। हम लोग कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और नंबर वन बन सकते हैं। हम लोग तो पहले आके डोमिनेट कर सकते थे अगर आप चाहते। अमन, कोरोना आ गया था 2020 में और हमारा ऑलरेडी 7 किचन हो गया था 2019 में। फिर हम सारे शर्ट किए, सिर्फ 3 रखे। वो टाइम बहुत टफ था जब हम लोग का रेवेन्यू 25% में आ गया था। और वो टाइम पीरियड जो हम लोग पार किए ना, तो फिर हमें लगा कि बॉस हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरा 100 लोग का टीम था उस समय, वो लोग बोले सर आप लोग चलाओ, मैं आप लोग के साथ हूँ, तो मेरे को लगा कि हम बिजनेस नहीं, हम कुछ क्रिएट किए हैं। बहुत अच्छी बात है। जो आमिर की बात है कि अब आप 1 करोड़ रुपए ले रहे हो आप और 100 करोड़ की वैल्यूएशन जी, क्या करोगे इससे? मतलब वो आज से मैं सहमत हूँ कि बढ़ नहीं सकता। ये मैं मानता हूँ कि ये 1 करोड़ बहुत ज्यादा इनफ नहीं है, पर हम लोग 1 करोड़ से बेस किचन को और अच्छा बनाना चाहते हैं और R&D करके अपना बेस्ट मॉडल इससे बाहर निकालना चाहते हैं जो इजीली रेप्लिकेबल है। फॉर एग्जांपल, क्या अगर हम दिल्ली के पास एक किचन खोले तो वो 4 सिटीज को केटर कर सकता है, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर। तो एक कॉमिस्ट्री का बहुत मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ जा सकता है। ऐसे ही बैठे हुए घुसने देंगे आपको? इट्स नॉट इजी ब्रो। आपने अपने जगह कर लिया, 10 साल से लगे हुए हो, इसलिए आपने एक स्केल प्राप्त कर लिया, एंड येट यू आर एट 1.7% ऑफ मार्केट शेयर। आप जब नए रीजन में जाओगे, दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, नॉट जस्ट एग्जीक्यूशन लेकिन टेस्ट, कॉम्पिटिशन। आप थोड़े से लॉस्ट हो यार, आपका जो धंधा जो कोलकाता में चल रहा है जी, मुझे लगता है आप कहीं इसको 30-40 करोड़ तक स्केल कर सकते हो, बट उसके बियॉन्ड नए ज्योग्राफी में जाना बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। और अभी तक वो बात नहीं दिख रही है, 9 साल में आप नहीं गए, तो अभी जाना 1 करोड़ के साथ, इट्स सुसाइड, एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही आपके विजन में कि आप कैसे स्केल करेंगे और इन्वेस्टर को एग्जिट देंगे, सो ऑल द बेस्ट, बट मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगा, सो आई एम आउट। मेरे को ना इस बिजनेस में इंटरेस्ट बहुत है, मॉफ फूड में डाला है, अच्छा पैसा ग्रो किया, मतलब पर वो राइट वैल्यूएशन में मैंने एंट्री करी थी। मेरा यहाँ पर इशू ही नहीं था कि तुम लोग बिजनेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आई एम प्रीटी श्योर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है, बट मैं इतना नेगोशिएट करूँगा कहाँ तक लेके जाऊँगा, जो मैं मैथ भी करता हूँ तो बहुत ही पीछे हूँ। इस वैल्यूएशन पे आप जिस पे रेस करने जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए अलाइंड हूँ। मैं आज बाहर पुलकित हर्ष, आदर्श, कई बिजनेस होते हैं जो आपको खुद चलाने चाहिए। आपने जब अभी तक फंड रेज नहीं किया ना, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फंड रेज की तरफ 10 साल में आपको आ जाना चाहिए था पहले। सेकंड वही 100 करोड़ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। सो एक मैं आपको बस सजेशन दूंगा कि आपको अगर करना है तो थोड़ा ब्रांडिंग पे काम करो, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। अगर आप ये कहते कि अभी मुझे कलकत्ता, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल के इन एंड अराउंड में मैं सबसे डोमिनेंट बिजनेस बनना चाहता, उसके लिए मैं काफी इंटरेस्टेड था, पर मुझे लगता है कि अभी आप थोड़ा वो सोच रहे हैं कि मैं नेशनल मॉडल बनाऊं या ना बनाऊं। एक बार आपको डिसाइड कर ले, अगर आपको लगता है वो रीजनल बिजनेस आपका इंटरेस्ट है, तो उस पर मैं बिल्कुल सपोर्टिव रहूंगा हमारे एक्सपीरियंसेस के द्वारा। उस कारण से मैं आउट हूं, बट आप लोगों ने बहुत ही अमेजिंग बिजनेस बनाया है। मेनी बेस्ट विशेस फॉर दैट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गाइस। यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि धंधा अच्छा नहीं। धंधा आपने अच्छा बनाया है, प्रॉफिटेबल चला रहे हो, इसको स्केल करो, जरूरी नहीं कि हर चीज में इन्वेस्टमेंट हो। ऑल द बेस्ट। खूब बात। थैंक्स।